गड़बड़ की एक्टिंग करो, इतने मर्डर किए अर्जुन ने, हनुमान वगैरह ने, प्रहलाद वगैरह ने, भीतर गड़बड़ नहीं हुआ, बाहर से सब एक्टिंग हो रही है। तो पिक्चर में देखती नहीं, पिक्चर में जैसे प्यार की एक्टिंग करते हैं, दुश्मनी की एक्टिंग करते हैं, मार धाड़ करते हैं, वैसे मुंह बनाते हैं, लेकिन भीतर नहीं, वो तो पैसा कमाने को एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हमको बाहर से व्यवहार करना है अनेक प्रकार का, लेकिन भीतर नॉर्मल रहे। दो तरह का व्यवहार तो संसार में रोज करते हो 24 घंटे। कोई आ रहा है तुम्हारे घर पर, तुम नहीं चाहते कि आवे, लेकिन आ गया, आइए आइए बैठिए बैठिए, इनको चाय लाओ भाई। रोज तो करते हो, हर एक से व्यवहार करते हो इसी प्रकार की एक्टिंग की, और भीतर से मन नहीं कर रहा है, बात में डांट दिया तो जी 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 जी, और भीतर से क्या सोच रहे हो, एक झापड़ लगाऊंगा इसको, बदतमीज की बात कर रहा है, खुद तो आता है 12 बजे, हमसे कहता है कि 11 बजे क्यों नहीं आए। भाई ये दो तरह की एक्टिंग तो हम लोग पैदा होते ही से शुरू कर दिए, खूब मालूम है। छोटा सा बच्चा रोता है, जोर से आवाज करता है, आंसू नहीं आते, लेकिन वो जानता है कि जोर से आवाज करेंगे तो मम्मी हमारी बात मान लेंगे। देखो छोटा सा बच्चा भी दो तरह का व्यवहार कर रहा है, और फिर जो जो बड़े होते हैं लोग, तो दो तरह का व्यवहार तो उनको सीखना पड़ता है संसार में, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे व्यवहार करना पड़ेगा तो सबसे मधुर व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन भीतर से सबके प्रति मधुर भाव नहीं है, तो ये तो सब जानते हैं दो तरह का व्यवहार, लेकिन अंदर सही हो बाहर गलत हो ये नहीं कर पाते लोग। अंदर गलत है बाहर सही है ये कर लेते हैं, अंदर गड़बड़ है, क्रोध है, और बाहर से मधुरता की एक्टिंग कर रहा है, ये तो कर लेते हैं लोग। अब अंदर ठीक है और बाहर गड़बड़ की एक्टिंग करें ये नहीं कर पाते लोग। इसमें शक्ति की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है, मन को वश में करना, गुरु के वाक्य का पालन करना, विल पावर भी लगावे, स्पिरिचुअल पावर भी लगावे, तब भीतर से गड़बड़ी जाएगी। और बाहर से गड़बड़ और भीतर ठीक, ये भगवान और महापुरुष करते हैं। भगवान और महापुरुष अंदर से ठीक है और बाहर से गड़बड़, माने काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ये सब करते हैं। और संसार के लोग अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, अंदर तो हमारी दुर्भावना है उसके प्रति, लेकिन बाहर से मधुर व्यवहार करते हैं, ये तो आता है सबको, बाहर से मधुर व्यवहार करना। लेकिन अभ्यास ये करना है कि अंदर हमारा ठीक रहे, इसका अभ्यास करना होगा तत्व ज्ञान पूर्वक। और मोटी अकल से भी करना चाहिए, जैसे मान लो हमको बीबी ने डांटा, पति ने डांटा, बाप ने डांटा, दोस्त ने डांटा, अपमान किया, हमने सुना, बुरा लगा, अब अगर हम इसका जवाब देते हैं तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, तो और भयानक व्यवहार करेगा, तो हमारा क्रोध और बढ़ेगा, तो हम और भयानक व्यवहार करेंगे, तो इस कंपटीशन में फिर मारपीट भी हो सकती है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं।
तलाक वलाक हो जाता है सब इसी में, एक से एक जब आगे बढ़ते गए तो एक तो इसलिए भी हमको बचाना है कि उसने कुछ कहा पहले चुप जवाब नहीं देना, फिर विवेक से भीतर जो क्रोध आया है उसको काटो कि इसने जो कहा है तो फैक्ट, हमारे अंदर दोष तो सब है ही है, फिर क्यों बुरा माने। नंबर दो, इसका कुछ स्वार्थ नष्ट होने का आइडिया इसको हुआ है हमसे, इसलिए ऐसा है गुस्से में मेरा अपमान कर रहा है। ये हमेशा नहीं ऐसे रहेगा, कि नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, का जवाब नहीं देना। अनेक रीजन सामने रख करके उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको ही खत्म कर दे और धीरे धीरे भीतर को ठीक कर ले। और अगर व्यवहार में आगे बढ़ा तो भीतर का क्रोध और बढ़ेगा और हानि होगी। तो पहला इलाज यह है चुप, बस पहले चुप। वो दो चार दस बात के बोलेगा वो जान लेगा ये चुप, तो वो भी चुप हो जाएगा। अगर हम बोले तो फिर उसका क्रोध बढ़ेगा, फिर उसके जवाब में हमारा क्रोध बढ़ेगा, तो उससे बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले संसारी व्यवहार में किसी के अपमान में मौन ले लेना, चुप हो जाना या वहां से चले जाना, न जा सके तो चुप रहे कम से कम, और फिर रीड करें अपने आप को, इसने ऐसा कहा है तो तुम स्वार्थी हो। बात तो ठीक है, सब स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने बताया है, हमने भी समझा है उसको, गुस्सा नहीं करना, चुप, गुस्सा खत्म कर दिया। तो गुरु के तत्व ज्ञान से, शास्त्र वेद के तत्व ज्ञान से उन दोषों को काटना, ये अभ्यास करना होगा। कभी भूल जाए और कोई वाक्य निकल जाए मुंह से तो फिर रोक दे। देखो किसी को आग लगती है, स्त्रियां खाना पकाती हैं तो कभी कभी आंचल में आग लग जाती है, तो वहीं पर तुरंत पकड़ लेती हैं, बुझा देती हैं। अगर वो लापरवाही करे कि लगने दो बढ़ने दो हमको क्या करना है, तो जल जाएगा पूरा शरीर। तो कोई भी दोष अंदर आवे, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी, तो तुरंत दबाओ तो आराम से दब जाएगा। जितना वो बढ़ जाएगा उतने मुश्किल होगी। तो जैसे क्रोध एक ऐसी चीज है जिससे बहुत अशांति हो रही है सारे संसार में, स्त्री पति में, बाप बेटे में, बहन भाई में, सब जगह क्रोध, वाणी का जबानी जमा खर्च। ये क्रीम यहां क्यों रखी है, ये क्रीम यहां क्यों रखी है पूछा। स्त्री जवाब दे रही है तो क्या सिर पे रख लू। अब देखो क्रोध की बात शुरू हो गई। अरे मैं सिर पर रखने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको कमरे में क्यों नहीं रखा, तो यहां क्या चोर उठा ले जाएंगे। अब देखो शास्त्रार्थ बढ़ रहा है दोनों का, और बढ़ते 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 फिर मारपीट भी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता संसार में सब देखते हैं आप लोग। ये वाणी सबसे खतरनाक है। जितनी अशांति टेंशन हमारे गृहस्थ में है वाणी के द्वारा है, फैक्ट में तो बहुत कम है, ज्यादा वाणी से। इसलिए मधुर बोलो, कम बोलो, और कोई अपमान का वाक्य बोले
तो उसको वहीं काट दो, आगे ना बढ़ाओ। ये सिद्धांत गलत है कि अगर हम न बोले तो फिर वो और बोले। ये कहते हैं लोग कि जैसे हमको पति ने डांटा तो अगर हम न डांटे उसको, उसका जवाब न दे तो फिर हमारे तो सर चढ़ जाएगा। ये फिलॉसफी लोगों की खोपड़ी में है। ऐसा नहीं, ये गलत सिद्धांत है। हम जब वाणी बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, तो वो दो चार वाक्य और बोलेगा, मान लिया, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम चुप नहीं होंगे तो फिर वो चुप क्यों होगा, फिर बात बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे पहले शब्दों पर कंट्रोल, फिर भीतर ठीक करना, इसका अभ्यास करना होगा। सिद्धावस्था तो नहीं पहले पहला जाएगी, क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे किसी के वाक्य से क्रोध आया 25% और हमने जवाब नहीं दिया, तो 25% को फिर हम विचार पूर्वक काट देंगे आराम से। और अगर हम वाक्य का जवाब देंगे, फिर वो बोलेगा, फिर हम बोलेंगे, तो 25% 100% हो जाएगा। फिर हमारे बस का नहीं रहेगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली और बढ़िया दवा है चुप रहना और पात्र के अनुसार बात करना। अगर छोटा है हमसे और हम समझते हैं कि इसको डांट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी, तो वहां वैसा व्यवहार कर दो। ये हमसे बड़ा है, ये सही गलत बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको गलत कहेंगे तो ये और गुस्सा करेगा, इसलिए उससे चुप रहो। हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है और गलत बात कर रहा है, और हम ये सोच के कि ये गलत बात कर रहा है हम भी बोलेंगे, ये गलत। क्योंकि उसको ये अहंकार है कि हम बड़े हैं, तुम्हारे बाप हैं, इसलिए वो तुम्हारी सही बात को भी मानेगा नहीं। जगत गुरु का बाप भी किसी को कहे कोई बात तो जब वो गुस्से में होता है, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग, हमको बोल देते हैं, तो संसारी बाप माँ को कौन छोड़ेगा, तो उससे बात बहुत बढ़ जाती है। तो बात देख करके व्यवहार करना चाहिए, एक सा व्यवहार सर्वत्र नहीं होता है। जैसा पात्र हो वैसा व्यवहार हो, लेकिन भीतर गड़बड़ होने की बात तो गलत है ही, चाहे जहां हो, भीतर गड़बड़ न होने पाए ये तो अपना ख्याल रखना चाहिए।